क्लास 12 फिजिक्स में लेसन नंबर 9 हम लोग पढ़ रहे हैं, परावर्ती दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, अंग्रेजी में इसको कहते हैं। हमने क्या क्या नहीं पढ़ा, सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ा, खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पढ़ा। आज हमारी जो पढ़ाई हो रही है उसका नाम है परावर्ती दूरदर्शी। इस परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग हम लोग चमकीले प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, किसी भी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्या कहा गया कि जो परावर्ती दूरदर्शी है इसका प्रयोग हम लोग चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए करते हैं। हालांकि परावर्ती दूरदर्शी में एक अवतल लेंस लगा होता, अभी मैं चित्र बनाऊँगा आपको, बहुत बड़े द्वारक वाला होता है, और उसके बाद से एक समतल दर्पण रखा जाता है 45 डिग्री के कोण पर, फिर इसमें एक उत्तल लेंस की भी ज़रूरत होती है, और तब आप कांतीय प्रतिबिंब जो बनता है वो बहुत ही चमकीला बनता है। चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए परावर्तित दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। आइए पहले चित्र आपको बताएं, चित्र बनाएं, खूब आसान तरीके से आपको याद करना है इसके बारे में, खूब आसान चित्र आपको बना रहे हैं। देखो पहले आप क्या करेंगे, आप लेंगे एक अवतल दर्पण, पढ़े भी होंगे आप, लेंगे और नीचे से बना अवतल, ठीक है, चाहे से ले लीजिए अवतल, उठे हुए भाग पर कलाई किया जाता है ना, एक आपका मुख्य अक्ष होता है, और इसी मुख्य अक्ष पर आप वस्तु को रखेंगे। ये वस्तु आपने रख दिया, आपको बता दें कि यहाँ पर इस दर्पण का नाम M1 लिख दो। दर्पण को हम M से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि अंग्रेजी में मिरर कहा जाता है, और यहाँ एक समतल दर्पण रख दीजिए आप, सीधा होता है जानते हो, जिसके एक भाग पर कले 45 डिग्री के कोण पर, हम इसको M2 मान लेते हैं। आपका याद होगा कि जो वस्तु होगा उससे दो प्रकाश की किरणें चलेगी, पहला प्रकाश की किरणें आ रही है, चलेगी कहाँ से आ रही है, थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए, यहाँ से आ रही है, और दूसरा जो आपका है वो भी वस्तु से आ रही है इस तरीके से, दोनों आ रही है, दोनों टकराई, एक टकरा करके समतल दर्पण पर गई इस तरीके से, और दूसरा टकरा कर भी समतल दर्पण पर गई इस तरीके से, टकराएंगे, टकराने के बाद दोनों समतल दर्पण, वैसे व्यवस्था ही करना है कि टकराने के बाद समतल दर्पण पर ही जाए। ये दो प्रकार से किरणें हैं, जहाँ जहाँ तीर है तहाँ तहाँ प्रकार से किरणें, अभी टकराने के बाद एक प्रकार से किरण जाएगी इधर और एक प्रकाश की किरण जाएगी सीधा इस तरीके से चली, और आप देखेंगे कि यहाँ जहाँ दोनों मिले वहाँ पर एक छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा सा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, और नीचे हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग कर देंगे। आप जानते होंगे उत्तल लेंस वह होता है जिसके दोनों किनारों पर क्या होता है, पतला होता है, और बीच में आपका मोटा होता है, ये उत्तल लेंस का समझ कहीं फिट कर दिया गया है उत्तल लेंस आपका, मैं लिखता हूँ कि ये उत्तल लेंस आपका लिखा गया। आप इस वस्तु का देखेंगे, देखिए ये लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो आप देखेंगे तो आपको महसूस ये होगा कि तनिष्क इसको दिखा दीजिए कि अंदर की तरफ प्रवेश कर गया, इस वस्तु को देखेंगे तो आपको एक सीधा प्रकाश की किरण ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, फिर ये जो प्रकाश की किरण आई है इसको भी देखेंगे तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण एकदम पीछे जाएगा, और यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब अगर इसको ये मानते हैं ये बी है, तो ये ए पर डबल डैश बी पर डबल डैश, क्योंकि एक यहाँ पर ही बना है ए पर डैश बी पर डैश, यह प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब बना है जो बहुत ही चमकीला बना है, प्रतिबिंब बन गया, यही आपका चित्र रहा, बहुत आसान है चित्र, कोई ज़्यादा मुश्किल है। इधर और घसक गई है ना, वहाँ पर इधर चले गए जाओ, अब दिखाई देगा वहाँ, चलिए बना लोगे क्या, एक बार और बताना पड़ेगा क्या इसको, चलिए देखिए, तब समझिए, या अवतल दर्पण लीजिए,
बना नहीं लोगे। तो देखा ध्यान से, आई बन गए मुख्य अक्ष हो गया। अब समझो आई एक वस्तु रख दिए, एक यहाँ पर समतल दर्पण रख दिए, एक प्रकाशी किरण यहाँ से जा रही है टकरा गई, इधर से जा रही है आई के यहाँ से गई टकरा गई, इधर से आई जाके टकराई, इधर से देख लो कहीं कम बता रहे आई जाके नीचे टकराई, फिर ये कहा हुई घूम करके ऐसी चली गई और ये सीधा चली गई। यहाँ पर हमने क्या किया, उत्तर लेंस बना दिया। ये था बस का अभी, यहाँ पर एक पृथ्वी में, पृथ्वी में यहाँ पर बनेगा जिसके लिए यहाँ से एक प्रकार से किरण सीधा जाएगी ऊपर, और एक यहाँ से तिरछा तन लेकर चल जाए यहाँ पर, और यहाँ पर अंतिम पृथ्वी बने। यही है प्रावर्तित द्विदर्शी। इसमें डबल दर्पण, एक ये दर्पण है अवतल दर्पण कहते हैं, एक ये दर्पण है समतल दर्पण कहते हैं, और एक लेंस है जिसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। इसके द्वारा चमकीला प्रतिबिंब बनाया जाता है। आपको याद होगा कि इसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हालांकि जो अवदिशीय का द्वारक होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अधिक से अधिक प्रकाश को उस पर एकत्रित कर सके, परंतु बड़े लेंस के, बड़े द्वारा का लेंस बनाना बड़ी कठिन होता है, क्योंकि उसमें दोष आ जाती है, इसीलिए बड़े आकार के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस दूरदर्शी में अवदिशीय का एक बड़ा फोकस दूरी और बड़े आकार का अवतल दर्पण लेते हैं जिसको अमोन कहते हैं, रचना में आप लिख सकते हैं, और अवतल दर्पण के फोकस से कुछ दूरी पर पहले एक समतल दर्पण ले लेते हैं। देखो समतल दर्पण M2 है जो 45 डिग्री के कोण बनाता हुआ पर रखा जाता है। दूरदर्शी तली के बगल में एक पतली नली में छोटी फोकस दूरी वाले छोटे द्वारा का एक लेंस भी रख देते हैं जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। यहीं से आँख नीचे रहता है, आँख के द्वारा हम लोग ये जाओ तो आप नेत्र का एक चित्र बना लेते हो, इसी के द्वारा हम लोग वस्तु को क्या करते हैं देखते हैं। यहाँ पर ही बना लेना, डबल प्रतिबिंब बन रहा है, डबल चित्र भी बना हुआ है। अवतल दर्पण M1 दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली प्रकाश की किरणें पहले इसे टकराती है, टकराने के बाद दोनों प्रकाश की किरणें जो समतल दर्पण रखा गया उसके ऊपर जाती है, फिर वहाँ जाने के बाद एक छोटा सा प्रतिबिंब बनता है जिसका नाम A-B होता है। फिर लेंस के द्वारा हम लोग देखते हैं तो बहुत ही बड़ा आभासी सीधा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब A-B बनता है जो अस्पताल दृष्टि की नितान दूरी तथा न्यूनता के बीच में बन जाता है, और इस प्रकार हमें प्रतिबिंब को बनाने में कोई दिक्कत नहीं। हो गया, मिटाएं इसको। अब इसके बारे में कहीं कहानी बनाकर हमें लिखते हैं, बहुत छोटा सा हेडिंग था आपका ये। देखो ये पूछा जाएगा तो बता दोगे ना इसके बारे में, आ गया बोर्ड में लिखने के तो लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। चलो लिखो, देखो इसके द्वारा दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब, चमकीला प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, चमकीला प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो रचना में भी लिख सकते हैं चाहे तो, जो हम जो बनाए तो तुरंत तो लिखना है, मुझबानी आप लिख सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होता है जिसे अमोन कहा कि इसमें एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण M1 होता है तथा एक छोटा दर्पण M2 होता है तथा एक छोटे द्वारक का समतल दर्पण M2 होता है जो अवतल दर्पण से 45 डिग्री कोण पर रखा जाता है, जो अवतल दर्पण से 45 डिग्री के कोण पर
रखा जाता है, रखा जाता है। आगे लिखना तथा एक छोटे द्वारक को, द्वारक के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये रचना था। अब आइए रचना के बाद इसकी क्रिया विधि या प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना तो सर्वप्रथम ए भी वस्तु से दो प्रकार से किरणें चलती हैं। सर्वप्रथम ए भी वस्तु से प्रकाश किरणें चलती हैं। तथा अवतल दर्पण से टकरा कर समतल दर्पण पर चली जाती है। जिसे एक छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, ठीक है। जो उत्तल लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, फिर इसका पुनः इसका ए पर डबल डैश बी पर डबल डैश का अंतिम प्रतिबिंब बनता है, जो आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, तथा चमकीला होता है, अच्छा मैं देख के लिख लू, तुम्हें बगल इश्तकार में देख के लिख, अच्छा आई लिख लो, चलो वो दो लाइन छोड़े तो बात नहीं, तो समझ कर लिख लो, सब छोड़ दो। मन से आपको बताइए आपकी यह सूत्र होता है आवर्तन क्षमता यम बराबर मन से अफो बटक और तो बहुत आसान टॉपिक आ रहा है मानव नेत्र, पहले इसको लिख लीजिए तब।